हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नया डिज़ाइन, टू कलर में नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये दो व्हाइट कलर से दो सिलाइयाँ लगाई है। अब मुझे क्या करना है, चार और दो का गैप करना है। जैसे ये चार फंदे मैंने आगे कर लिए, दो का गैप कर दिया, चार फंदे आगे। इसी तरह से इस तरह से अब ये गैरेज की जो ये हुक है इसको आगे ही रहने दिया, और ये इस वाले को भी हमने आगे कर लिया है दोनों को। तो चलो फिर हम दो सिलाइयां लगाएंगे। अब हम पहले एक एक फिर से इन्हीं फंदों को आगे कर लेंगे हम जो अभी किए हैं। इन्हीं फंदों को आगे करके फिर एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी दो सिलाइयां लग जाएगी ये। अब हम क्या करेंगे, ये जो व्हाइट फंदा है ये वाला, और इसके साइड में एक एक इस फंदे को उठा लेंगे, और एक ये व्हाइट वाले, व्हाइट वाले को इस साइड ले आएंगे। पहले व्हाइट वाला लगाना है और फिर ये जो रेड वाला है इसको अंदर की साइड ले आएंगे। इस तरह से एक व्हाइट और एक ये रेड, व्हाइट वाले को साइड में लेके जाना है और दोनों साइड से एक एक जो रेड वाले उनको अंदर लेके आना है। इस तरह से आगे फिर से हम वैसे ही करेंगे, एक ये रेड वाला और व्हाइट वाले को हम बाहर लेके आएंगे और रेड वाले को अंदर लेके जाएंगे। साइड से भी वैसे ही करेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी व्हाइट वाले को बाहर, रेड वाले को अंदर, इस तरह से। इस तरह से व्हाइट वाले को साइड में ले जाएंगे, रेड वाले को अंदर ले आएंगे, व्हाइट वाले को बाहर, इस तरह से। और पहले व्हाइट वाले को हमें ट्रांसफर करना है, उसके ऊपर से लगाना है इसको रेड वाले को। जैसे ये रेड वाला और ये व्हाइट, तो व्हाइट को हम पहले इस साइड ले आएंगे फिर रेड वाले को अंदर ले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे भी एक सिंगल फंदा है, इसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। सॉरी, पहले व्हाइट फिर रेड, मतलब जो भी कलर होगा आपका, जिस कलर को आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो फंदा नहीं बनाया उसी कलर के हमें बाहर लेके जाना है, और जो बनाया हुआ को अंदर लेके जाना, जो नहीं बनाया फंदा उसको बाहर लेके जाना है और जो बनाया उसको अंदर लेके जाना है। इस तरह से आप फिर प्लेन गैरेज के हुक को पीछे करके, या तो आप इन नीडल्स को आगे करके लगा सकते हो, या हुक को मैंने पीछे कर लिया। अब दो सिलाइयां लगाऊंगी, वन टू, फिर से गैरेज के हुक को आगे कर लिया और रेड कलर का धागा लिया। दो चार, दो चार, टू फोर, टू एंड फोर। इस तरह से अब दो सिलाइयां लगाएंगे, टू फोर, टू फोर, टू फोर, इस तरह से। फिर से एक बार वही मेथड, जो बाहर वाला है रेड कलर का धागा उसको हम अंदर लेके आएंगे और व्हाइट वाले को बाहर लेके जाएंगे। इस तरह से
ऐसे और ये ध्यान रखना है जिस फंदे को आप बाहर लेके जा रहे हो, जैसे आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का बना रहे हो तो जिस कलर को आप बाहर लेके जा रहे हो उसको पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर जो आप अंदर लेके आ रहे हो फंदा दूसरा कलर उसको लगाएंगे। जैसे ये व्हाइट वाला हम बाहर लेके जाएंगे तो पहले हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर जो बाहर वाला है रेड उसको। इस तरह से अब धागे को चेंज करेंगे, व्हाइट धागा लगाएंगे और गैरे की जो हुक हमने पीछे आगे की थी उसको हम पीछे कर लेंगे। अब इस तरह से मैं थोड़ा सा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा डिजाइन बन के आया। इस तरह से अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।